ब्लॉक, एक राउंड, दो दो राउंड और करेंगे। एक सेकंड राजेश बादल, आपका एनालिसिस क्या है आज के आंकड़ों पर? दो तीन बड़ी बातें आपके हिसाब से गुजरात हिमाचल से क्या निकल रही है? धन्यवाद मालिक। देखिए, पहली बात तो यह है कि इसे स्वीकारने में कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि कांग्रेस ने गुजरात के विधानसभा चुनाव को आधे अधूरे बन से लिया। और जिस तरह से आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में चुनाव में भी ऐसा ही हुआ था, अलबत्ता वहाँ एनसीपी के जो गठजोड़ था वो उनके लिए फायदेमंद हुआ और वहाँ उनको अपेक्षाकृत कामयाबी ज़्यादा मिली थी। गुजरात में ठोस वोट है कांग्रेस का, लेकिन शायद कांग्रेस ने इसको इस बार बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से लिया। दो कारण हो सकते हैं कि एक तो यात्रा थी और दूसरी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव, खड़गे साहब को अभी संभलने का मौका नहीं मिला। दूसरा कारण यह है कि आम आदमी पार्टी ने अपना काम कर दिया। जहां जहां कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में सीधा मुकाबला होता है वहां आम आदमी पार्टी को भेजा जाता है। दिल्ली और पंजाब में हम देख चुके हैं, उत्तर प्रदेश में वो आई नहीं, बंगाल में वो आई नहीं, महाराष्ट्र में वो आई नहीं, क्योंकि आम आदमी पार्टी एक विशेष उद्देश्य को ध्यान में रख के बनाई गई है। तो वो वहां गई और उसने काम कर दिया। पिछले चुनाव में ये पहली बार नहीं लड़ी है, पिछले चुनाव में भी आम आदमी पार्टी आई थी, उसे केवल 24,900 वोट मिले थे, -0.01% वोट थे। तो इस बार जो उन्होंने करीब करीब 12% के वोट लिए हैं उसने कांग्रेस को डेंट किया है। तीसरी बात यह है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए अब केवल 1.5 साल बचा है लोकसभा चुनाव में। गुजरात में हार के सारे देश में वो संदेश नहीं देना चाहते थे कि जब अपने राज्य में हार गए मोदी जी तो क्या कैसे जाएंगे पूरे देश में। तो एक तो बात यह है, और एक आखिरी बात मैं और आपको बता देता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट जो है, 20 से 25 इलाकों में मतदान के बाद जो मतदान हुआ है, अब हम लोग वैसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग नहीं करते, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक मिनट में एक वोट पड़ता है, 5 बजे के बाद 200 टोकन दिए जाते हैं, लेकिन 5 बजे के बाद 31,000 वोट हुए हैं, 31,000। कई विधानसभाएं ऐसी हैं जहां पर 10 से 12% वोट हुए हैं। ये कहां से आए, आसमान से टपके या कहां से टपके, कांग्रेस पार्टी खुद ही नहीं देख रही है, ये उसके काम देखने का है। हिमाचल प्रदेश में जरूर मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस ने मेहनत अच्छी की थी, लेकिन ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की हार है। वहां के जेपी नड्डा, जहां से राष्ट्रीय अध्यक्ष आता हो वहां अगर ये पराजय होती है तो थोड़ा सा सोचने की बात है। ओके, ऑलराइट राजेश, आता हूं थोड़ी देर में आपके पास। जहां तक इलेक्शन के प्रोसेस का सवाल है, मुझे नहीं लगता आप जो कह रहे हैं उसकी कोई प्रामाणिकता, पता नहीं आपके पास ये आंकड़ा कहां से आया कि 5 बजे के बाद कितने वोट पड़े कितने नहीं पड़े, क्योंकि हमने भी अपने सारे के सारे ग्राउंड पर घूम रहे रिपोर्टर्स, सारे कॉन्ट्रीब्यूटर से हम लगातार टच में हैं। हमारे पास, नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।